हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एनोटेशन ऑप्शन को इसके फीचर्स को कैसे यूज करें। पिछले वीडियो में हमने सिक्योरिटी, एज यू कैन सी हियर, ये सारे लॉक मीटिंग, इनेबल मीटिंग, ये सारे फीचर्स को डिस्कस किया था। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं एनोटेशन फीचर को। सो लेट्स से स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। Here you can see my screen is shared between the participant, among the participant. अब हम यहाँ पे वन बाय वन एक एक फीचर को देख लेते हैं। मैं इन तीनों म्यूट, स्टार्ट वीडियो, सिक्योरिटी, इन सब फीचर्स को हम देख चुके हैं। एक बार पार्टिसिपेंट वाला देख लेते हैं। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, यहाँ पे क्योंकि कोई पार्टिसिपेंट है नहीं, इस वजह से एक ही पार्टिसिपेंट को शो करा रहा है। अगर मीटिंग में और लोग ज्वाइन करेंगे तो नंबर ऑफ, ये जो काउंट है ये इंक्रीज होता जाएगा। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पे आता है इनवाइट, कि मैंने मीटिंग तो स्टार्ट कर दी लेकिन यहाँ पे इनवाइट अटेंडीज नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, आप डायरेक्टली ना दो ऑप्शन आ रहे, कॉपी इनवाइट लिंक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी इनविटेशन, इनवाइट लिंक को कॉपी कर सकते हो। कंप्लीट इनविटेशन को कॉपी करोगे तो उसमें आपकी टॉपिक, डेट, टाइम, लिंक, सब चीजें कॉपी हो जाएंगी कॉपी इनविटेशन करने के साथ। विद योर मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड, हियर दिस इज मीटिंग पासवर्ड। ये मैंने आपको मीटिंग शेड्यूल करते वक्त सिखा दिया था कि अपनी चॉइस का पासवर्ड हम दे सकते हैं, जो इजीली मैं भी याद रख सकूं एंड मेरे पार्टिसिपेंट भी याद रख सके। अब यहाँ पे सिंपली हम जीमेल पर क्लिक करेंगे तो आप एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को इस मीटिंग की डिटेल को शेयर कर सकते हैं कि सो एंड सो टाइमिंग में और डेट को मीटिंग शेड्यूल होने वाली है, तो इससे आप ईमेल कर सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शन की बात खत्म। अब हम आते हैं चैट। चैट में आपके चैट बॉक्स ओपन हो गया, तो बाय डिफॉल्ट एवरीवन आता है। इसमें भी दो तीन पॉइंट्स होते हैं जो हमने सिक्योरिटी बटन के अंदर भी चैट ऑप्शन को देखा था। मैं मोर वाले ऑप्शन में, यहाँ तीन डॉट दिखाई दे रहे सबको, इसमें मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। जैसे मैंने इसको टिक कर दिया, जैसे मैंने इस ऑप्शन को टिक कर दिया, नो वन पार्टिसिपेंट कैन चैट विद नो वन, इसका मतलब पार्टिसिपेंट जो भी है, जैसे नोटोरियस कुछ शैतान बच्चे ही मेरी क्लास में, जैसे कि पढ़ाई हो रही है तो वो चैट करना शुरू करे, तो वो बच्चे चैट नहीं कर पाएंगे अगर मैंने इस ऑप्शन पर टिक कर दिया। तो दूसरी बात, पोस्ट ओनली, तो इस ऑप्शन पर टिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ होस्ट चैट कर सकता है। मतलब मैं कुछ, जैसे मैंने मीटिंग शेड्यूल की, टीचर ने मीटिंग शेड्यूल की, तो टीचर को भी मैसेज लिख सकता है, पार्टिसिपेंट उसको सिर्फ देख सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते वहां पे। ठीक है, एवरीवन पब्लिकली, देखो अब इस ऑप्शन का क्या मतलब एवरीवन पब्लिकली, इसका मतलब यह है कि पार्टिसिपेंट मतलब मेरी मीटिंग में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट हैं, वो सारे एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज, इसको भी देख लेते हैं, एवरीवन पब्लिकली एंड डायरेक्टली। एवरीवन पब्लिकली से मतलब कि कोई भी मेरी मीटिंग में किसी को भी अगर मैसेज लिखते हैं तो वो सबको मैसेज दिखाई देगा, सबके पास जाएगा वो मैसेज, मतलब स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। एंड डायरेक्टली और डायरेक्टली लाइक यहाँ पे मैंने किसी भी पार्टी, यहाँ पे तो एवरीवन लिखा हुआ, तो मीटिंग में जो भी पार्टिसिपेंट है, लाइक यहाँ पे निलेश का नाम लिखा है या मेरे किसी और स्टूडेंट का नाम लिखा है, तो वो सेलेक्ट करके हम डायरेक्टली भी उन पार्टिसिपेंट को, अपने उन फ्रेंड को जो मेरे क्लासमेट है, मैसेज कर सकते हैं अगर होस्ट ने ये ऑप्शन टिक किया हुआ है तो। ठीक है, तो ये है जो चैट को लेकर के सिक्योरिटी दिखाते हैं। लाइक नो वन कर दें से बच्चे हैं कि आपस में बातें करें, सुन नहीं रहे क्लास को, तो नो वन कर देंगे तो ये ऑप्शन हमारा वर्क करेगा, लाइक कोई भी बच्चा आपस में चैट नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो बहुत ध्यान रखने वाला है टीचिंग करते वक्त। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन शेयर, ये तो सब जान ही गए कि स्क्रीन शेयर से स्क्रीन शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्क्रीन शेयर की हुई है पार्टिसिपेंट के साथ, कि कोई भी पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग मीटिंग में हैं, वो मेरी स्क्रीन को इजीली देख सकते हैं। पॉज,
मैंने स्क्रीन शेयर को पॉज कर दिया, इस बटन पर क्लिक करके हम पॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है एनोटेट। एनोटेट मतलब जैसे ना आपको स्क्रीन पर कुछ भी लिखना है, जैसे आप ना ये कुछ आइडेंटिफाई करा रहे हो, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो आप जैसे, है ना, तो हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने इसको हाईलाइट करना है इसी पॉइंट को, मुझे ये बताना है कि ये स्टार टोपोलॉजी है, या मुझे इस तरीके से बताना है कि ये लाइक किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना है कि ये सेंट्रल नोड है। कोई भी मैंने एग्जांपल ले लिया स्क्रीन का, लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग का, ये मेरे पास पीडीएफ ओपन है कि सेंट्रल नोड है ये। तो इस तरीके से हम इसके फीचर्स को यूज करके, यहाँ पे इस पेंसिल को यूज करके स्क्रीन पे एनीवेयर, लाइक इट कैन बी ए पीडीएफ फाइल जो भी मैंने शेयर की है, ये प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई वर्ड फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है, तो इस फाइल को मैंने स्क्रीन पे शेयर किया कि यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वापस से लाइक आपको स्क्रॉलिंग करनी है इसकी तो माउस पे चले जाओ आप, है ना, कुछ सेलेक्ट कर सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से, कुछ टेक्स्ट एंटर करा सकते हो, कोई ड्रॉइंग यहाँ पे अवेलेबल है, ये ड्रॉइंग आप अपने वर्क एरिया में ले सकते हो, स्पॉटलाइट है, इरेजर है, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, और ये जो इरेजर की थिकनेस है ना, लाइक सॉरी इरेजर पेंसिल की थिकनेस है, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, मैंने ये वाला ले रखा है, ठीक है। फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स ले सकते हो, अनडिल्यूटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्लियर में क्लियर ऑल ड्रॉइंग, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया तो देखो सब क्लियर हो गया। और इसके अलावा हम इरेजर से भी रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने क्या किया था, लाइक मैंने ना इसको वो कर दिया अंडू, वापस से आ गया, मुझे ये वाली जो स्क्रीन है, जो भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, व्हाइट बोर्ड लेके पढ़ाया है, तो अब मुझे उसको सेव करना है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया तो उनके लिए, तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन सेव बटन या सेव ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, सेव एज पीएनजी, या तो इमेज के फॉर्म में सेव कर लो आप इसको, या पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपकी मर्जी है, आप जिस फॉर्म में सेव करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये सेव्ड एज बाय डिफॉल्ट, मतलब अपने आप ये इमेज के फॉर्म में सेव होता है, क्योंकि देखा होगा आपने ऑलरेडी यहाँ पर टिक लगा हुआ है, है ना। तो ये जैसे अब शो इन फोल्डर, ये क्या कह रहा है कि कहाँ पे सेव किया, फोल्डर को दिखाओ। मैं वापस इस ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ स्क्रीन पे, ये जो मेरी इमेज के फॉर्म में ये वाली जो मेरी स्क्रीन थी सेव हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को, जो भी मैंने बच्चे को पढ़ाया क्लास में उसको हम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा एनोटेट ऑप्शन, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज, और चाहो तो उसको पीडीएफ के फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, एक उसी लोकेशन पे सेव हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट। अब बात आती है यहाँ पर, थ्री डॉट दिखाई दे रहे होंगे सबको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कैसे, इस पर क्लिक करो, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सबसे ऊपर आता है यहाँ पर रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि हम मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे ये आ रहा है सर्कल से, इसका मतलब क्या, देखो इसके रिकॉर्डिंग ऑन दिस कंप्यूटर की, अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वापस से मैं इस पर क्लिक कर दूं तो पॉज, मतलब मुझे पॉज लेना है, लाइक बच्चे बातें कर रहे हैं, मैं डांट रही हूँ, तो क्लास आप रिकॉर्डेड सेशन को सेंड भी कर दो तो आप बीच में पॉज भी कर सकते हो रिकॉर्डिंग को। इसके अलावा आपको रिकॉर्ड करना ही नहीं है इस मीटिंग को, आप ये मीटिंग, ये जो होमवर्क है या जो भी वर्क है ये बच्चों के पास ऑलरेडी, तो यू कैन जस्ट स्टॉप बाय क्लिकिंग ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करके आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी कर सकते हो। रिएक्शंस, ये ऑप्शन क्या है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यहाँ पे ना आप हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इमोटिकन्स भी हैं, हैंड रेज का ऑप्शन भी है, तो वो आप कर सकते हो जस्ट इन केस यू हैव एनी क्वेरी व्हाइल हैविंग योर मीटिंग और क्लास। इसके बाद आता है डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स।
अब इसको ध्यान से सुन लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट